नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे जमीन से जुड़े हुए मामलों को लेकर। बिहार के निबंध कार्यालय में 1.5 लाख से अधिक जमीन के ऐसे दस्तावेज या फिर केवाला जिनका अभी तक कोई भी दावेदार नहीं है। बता दें कि अधिकतर दस्तावेज साल 2014 से 2019 के बीच के हैं। हालांकि इसके कई दस्तावेज 20 साल पुराने हैं। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि यह दस्तावेज कहीं बेनामी संपत्ति से तो नहीं जुड़े हुए हैं। ऐसे में यह जांच का विषय बना हुआ है। ऐसे में इन कार्यालयों में कई ऐसे दस्तावेज हैं जो सड़ने गलने की स्थिति में आ गए हैं। विभाग लगातार इन दस्तावेजों के लिए नोटिस भी कर रहा है। वह कार्यालय के बाहर नोटिस लगाकर ऐसे लोगों के बारे में बता रहा है। कुछ दिनों में इन कागजातों को नष्ट कर दिया जाएगा। अगर हम बात कर लें कटिहार जिले की, तो साल 1990 से लेकर साल 2000 तक 82,603 दस्तावेज के दावेदार नहीं रहने के कारण निबंधन विभाग ने नष्टीकरण का आदेश दे दिया है। अब निबंधक जय कुमार ने बताया कि ऐसे दस्तावेज हैं जिनका कई बार हस्तांतरण हो गया है। लोग नकल लेकर दूसरे को रजिस्ट्री कर चुके हैं। विभाग द्वारा विनिष्टीकरण आदेश के बाद अब तक 1.5 दर्जन से अधिक दस्तावेज लोगों ने प्राप्त किया है। शीघ्र ही बिना दावेदार के दस्तावेज को भी नष्ट कर दिया जाएगा। अररिया में ऐसे दस्तावेजों की संख्या 42,000 के करीब है। अब वह सड़ने लगा है। पूर्णिया में ऐसे दस्तावेजों की संख्या 164 है। वहीं अगर हम सुपौल की बात कर लें, तो यहाँ साल 1993 से साल 2018 तक में चारों निबंधन कार्यालयों में 31,729 दस्तावेजों के दावेदार नहीं मिल रहे हैं। सदर अंचल में 14,263, गणपतगंज में 8,747, त्रिवेणीगंज में 8,315 और निर्मली अंचल में 400 के दस्तावेज शामिल हैं। वहीं मधेपुरा में 13 दस्तावेजों का कोई भी दावेदार नहीं है। सहरसा में 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2019 तक बिना दावेदार वाले करीब 237 दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। इस मामले को लेकर लखीसराय के जिला निबंधन पदाधिकारी विनय कुमार प्रसाद बताते हैं कि रजिस्ट्री के दौरान रसीद लेकर लोग चले जाते हैं, लेकिन ओरिजिनल दस्तावेज लेने को लेकर कम लोगों की दिलचस्पी होती है, या फिर रसीद उनके खो गया तो किसी तरह नष्ट हो गया तो ऐसे लोग ध्यान नहीं देते। बता दें कि केवाला लेने में लेट होने पर विलम्ब शुल्क देना पड़ता है, इसीलिए लोग इसे छोड़ देते हैं। जमुई के अपर निबंधक अनवार आलम बताते हैं कि निबंधन के पश्चात 3 वर्षों तक दस्तावेज नहीं लेने की स्थिति में उनके विनिष्टीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसके तहत सामान्य सूचना प्रशासन के पश्चात वैसे दस्तावेजों को विनिष्ट कर दिया जाता है जिसके कोई दावेदार सामने नहीं आते हैं। ऐसे में हम जान लेते हैं कि बिहार के जिलों के हिसाब से कि कहाँ कितने ऐसे कागजात हैं जिसके कि दावेदार नहीं हैं। सबसे पहले बात कटिहार की करते हैं। यहाँ 82,603 ऐसे कागजात हैं जिसके कि कोई दावेदार नहीं है। अररिया में 42,000 ऐसे कागजात हैं जिसके कि कोई दावेदार नहीं है। सुपौल में 31,729 ऐसे कागजात हैं जिसके कि अब तक कोई दावेदार सामने नहीं आए हैं। बांका में 892, जमुई में 465, खगड़िया में 315, सहरसा में 337, पूर्णिया में 168, लखीसराय में 78 और मधेपुरा में 13 ऐसे कागजात हैं जिसके कि दावेदारों की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। संबंधित विभाग के कार्यालय जो है इसको लेकर नोटिस अपने दीवारों पर चिपकाता रहा है ताकि जो है इन कागजातों के जो दावेदार हैं वो आएं और इसे ले जाएं। फिलहाल विभाग जो है इन कागजातों को अब जो है विनिष्टीकरण की स्थिति में है ताकि वो जो है इसे सड़ने गलने से पहले ही विनिष्ट कर सके। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।